की ओर बढ़ावा देने की बात कर रही है, वहीं सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। रिपोर्ट देखिए। जहां हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों की ओर बढ़ावा देने की बात कर रही है, वहीं सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के पुंडरी विधानसभा के कस्बा ठांड के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की, जहां बेटियां ग्राउंड में बैठकर पढ़ रही हैं। एक और जहां ठंड बढ़ती जा रही है, तो लोग वहीं ठंड से घर में दुबकने पर मजबूर हैं। वहीं हरियाणा के पुंडरी विधानसभा के ठांड कस्बे का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल ठांड में बच्चों को इस भयानक ठंड में बाहर बरामदे में बिठाया जाता है, जिसमें बच्चे पढ़ाई किस प्रकार करेंगे यह सरकार पर ही निर्भर करता है। प्लस वन मतलब 11वीं की छात्र छात्राएं बरामदे में बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं। ठंड बहुत है यहाँ पर, कमरे नहीं है। बच्चे ज्यादा है यहाँ पे? हाँ जी। तो कितने कमरे कम है? कम से कम कितनी क्लासेस बाहर बैठती है? तीन। तीन। 10 कमरे हैं जी यहाँ पर। नहीं, बच्चे कितनी क्लासों के बाहर बैठते हैं? चार। सर यहाँ पे कमरे नहीं है, और लड़कियों को भी और लड़कों को भी बाहर बैठना पड़ता है, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कब से बैठते हो? हम तो जब से 11वीं में हुए तभी से बैठे हैं, 2 महीने हो गए लगभग। कितनी क्लासेस बाहर बैठती हैं? वो ज्यादातर तो 11वीं 12वीं बैठती है, 10वीं 11वीं 12वीं। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए हर प्रकार की सुविधा सरकार उपलब्ध करवाती है। बच्चों को ठंड में पढ़ते देखकर अभिभावकों में भी रोष है। उनका कहना है कि सरकार इनके लिए कोई समुचित व्यवस्था करे। इस बारे में जब प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत सदस्य से बात की गई है। इसमें हमने बीच में 2-3 बार पंचायत से बात की है। अब हमारे पास इसका पीछे मैडम जो DPC मैडम से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आपके यहाँ पर पीछे बल्कि जे साहब भी आए थे कि आपके यहाँ पर 1 करोड़ का सेंक्शन हो गया उसकी बिल्डिंग बनाने के लिए। फिर उन्होंने पंचायत से बात की कि भी पैसा आ गया, इसके लिए आप व्यवस्था करो, बिल्डिंग कहाँ बनवानी है। ग्राम पंचायत सदस्य जयपाल ने बताया कि एक ही स्कूल में 3 स्कूलों का काम चलता है। और एक बिल्डिंग के अंदर 3 स्कूल चल रहे हैं। पहला तो प्राइमरी विंग का है, दूसरा कन्या उच्च विद्यालय है, और तीसरा सीनियर सेकेंडरी। 3 स्कूल एक बिल्डिंग के अंदर हैं। तो इसलिए बच्चियों को ज़्यादा बाहर बैठना पड़ता है? नहीं, बाहर वाली दिक्कतें थोड़ी ये है कि यहाँ पे 14 कमरे जर्जर हालत में थे। उन 14 कमरों की बोली करवा के और उनको गिरा दिया गया था। अब उसकी जगह सरकार कमरे भेज रही है, उसमें से 4 कमरे आ चुके हैं, बाकी अभी प्रोसेसिंग में है। तो वो 4 कमरे कब तक बन जाएंगे? उसके लिए पंचायत की तरफ से है ना प्रपोजल दिया गया उस अधिकारियों को कि जमीन उपलब्ध कराई जाए, और पंचायत इस कोशिश में लगी हुई है, जल्दी जमीन उपलब्ध करवा देंगे। एक और जहां सरकार शिक्षा के प्रति अनेक दावे करती है, वहीं कक्षाओं के बैच भी बरामदे में रोशनी के लिए रखे हुए हैं ताकि बच्चे पढ़ सकें। परंतु लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और बच्चे स्कूल के बरामदे में पढ़ने को मजबूर हैं। ऐसे में अब शिक्षा के दावों पर अनेक प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी आखिर क्या कुछ कार्रवाई होती है। हरियाणा के कैथल से के न्यूज के लिए मनोज मलिक की रिपोर्ट।